5 years of the Oscars, lobby systems have been put to rest. So, I think you need to check on that. अनुषा ने लगाया था आमिर पर लॉबिंग का आरोप. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें लॉबिंग नहीं होती, क्योंकि लगान में जब हम गए थे उस वक्त भी कोई लॉबिंग नहीं थी, और उसके बाद भी रंगे पसंती एक मेरी फिल्म गई है और तारे जमीन पर भी गई है, तो मैंने तो कभी की नहीं है लॉबिंग. देखिए, ये हर आदमी का अपना नजरिया होता है, उनकी ओपिनियन तो उन्होंने बता दी है, मैं इन चीजों में कमेंट नहीं करता. आमिर ने जूम पर ऑस्कर में लॉबिंग से इनकार भी कर दिया था, पर जैसे जैसे ऑस्कर्स पास आते जा रहे हैं, तेज होती जा रही है अनुषा और आमिर के बीच की ये लड़ाई. आमिर लगान और तारे जमीन पर के बाद तीसरी बार ऑस्कर की दौड़ में है, तो जाहिर है आमिर का एक्साइटमेंट है सातवें आसमान पर. लेकिन पीपली लाइफ के क्रेडिट की लड़ाई में हारा हुआ फील करने वाली फिल्म की डायरेक्टर अनुषा रिजवी ने एक बार फिर उठा दिया है लॉबिंग का वही सवाल. पीपली लाइव हैज ऑलरेडी मेड इट्स पॉइंट. ऑडियंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन टोल्ड व्हाट इट इज अबाउट एंड व्हाई दे शुड वॉच इट. रिपोर्टेडली ये कहकर अनुषा ने सीधे तौर पर तो नहीं, पर ये इशारा तो कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के लिए किसी तरह की लॉबिंग के साथ नहीं है. सूत्रों की माने तो अनुषा ने आमिर को तो नहीं, पर पीपली लाइव के को प्रोड्यूसर्स यूटीवी को अपना ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेज दिया है. Whether it is the Oscars or the Berlin Film Festival would not just be redundant but embarrassing. जो ऑस्कर आमिर के लिए काफी जरूरी और फख्र की बात है, वही अनुषा को गैर जरूरी ही नहीं एम्बैरेसिंग भी लग रहा है. जाहिर है कि अनुषा की नाराजगी अभी बरकरार है, पर ये नाराजगी तभी सामने आई है जब फिल्म को ऑस्कर दिलाने के लिए आमिर और यूटीवी ने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है. आमिर ने ऑस्कर में लॉबिंग की बात से जूम पर भी इनकार किया था. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें लॉबिंग नहीं होती, क्योंकि लगान में जब हम गए थे उस वक्त भी कोई लॉबिंग नहीं थी, और उसके बाद भी रंगे पसंती एक मेरी फिल्म गई है और तारे जमीन पर भी गई है, तो मैंने तो कभी की नहीं है लॉबिंग. आमिर और अनुषा के बीच का ये टिफ क्यों शुरू हुआ, इसका जवाब ना तो आमिर दे रहे हैं और ना ही अनुषा. खबरें हैं कि ये है क्रेडिट की लड़ाई, जो शायद तब तक जारी रहेगी जब तक ऑस्कर्स की रेस खत्म नहीं हो जाती. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई.